हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो ये जो इस समय का आप देख रहे हैं ये जो है वीडियो मैंने कमेंट्स के आधार पर बनाया है। अभी जो है सुबह सुबह जब मैं अपना जो है YT स्टूडियो चेक कर रहा था उसमें कमेंट्स पड़ा हुआ था कि उन्होंने ये पूछा था कि सर ये बताइए कि जो है वास्तविक जो भर्ती है वो कितनी है, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक बहाली चल रही है 1 से 5 में, 6 से 8 में, उसमें जो है वास्तविक सीटें कितनी हैं। कभी कोई कहता है कि 94,000 सीट है, कभी कोई कहता है कि 1,25,000 सीट है, कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी कोई 94,000 से कम कर देता है, कोई 90,000 बता देता है, तो ये सारी चीजें जो है क्लियर नहीं हो पा रही कि आखिर जो है सीटें कितनी है। और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है, इसमें जो हमने जो है 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के आधार पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या अब बिहार शिक्षक बहाली 2019 जो कि होने की संभावना है, क्या इसमें जो है ऐसा कुछ लग रहा है कि सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 पॉइंट सबसे जो है बेहतरीन पॉइंट्स हैं, ये जो है काफी मायने रखते हैं। पहला तो यह है कि 94,000 प्राथमिक बिहार शिक्षक बहाली में कैसे होगा सिलेक्शन। देखिए अभी यहाँ पे जो है 3 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहला तो केस है आपका जो है DLED BTET की प्राथमिकता वाला केस एक पेंडिंग पड़ा है, एक सीटेट एक्ट वाला केस जो है पेंडिंग पड़ा है, और इसके साथ ही जो है आपका दिसंबर सीटेट 2019 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो डबल बेंच में है, वो भी एक केस पेंडिंग है। यानी कि बिहार शिक्षक बहाली पर अभी भी जो है 3-3 केस पेंडिंग है, और अगर इन अभ्यर्थियों की एंट्री होती है तो संख्या और बढ़ जाएगी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि NIS DLED की जब से एंट्री हुई है तो इसके बाद से जो है बिहार शिक्षक बहाली में जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या लाखों में है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार स्टेट 2019 का जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया उनके जो है जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो शायद 22 या 23 हजार के लगभग जो है समथिंग पास हुए हैं जो रिजल्ट है, लेकिन उनका जो ट्विटर कैंपेन था उसमें करीबन जो ट्विटर कैंपेन के जो आंकड़े दिखा रहे जो ट्वीट हुए हैं वो 6.5 लाख से ऊपर के ट्वीट हुए हैं। तो ये तो अजीब सी बातें हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। और वास्तविकता ये है कि अब तो हम लोग को ये पता नहीं चल पा रहा है कि 94,000 शिक्षक बहाली में, जिसको हम लोग 94,000 कह रहे हैं, कभी कोई 1.25 लाख कह दे रहा है, इसमें वास्तविक रूप में कितने अभ्यर्थी जो है आवेदन किए हैं और क्या अब हाई मेरिट वालों का भी सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है गड़बड़ होती जा रही है। हो क्या रहा है कि कोई भी व्यक्ति उठ रहा है, केस कर दे रहा है, अपना एक जो है विज्ञापन लगा देता है, अपना एक विज्ञापन सरकार को दे देता है, एक नियम कानून दे देता है, और जब कुछ नहीं ना काम बनता है तो कह देता है कि मेरे सामने जो है मरने की समस्या आ गई है, जीने खाने की समस्या है, मुझे अलाउ किया जाए, और सरकार उठती है, पटना हाईकोर्ट में जाकर के राजनीतिक रूप से उसको जो है रंग दिया जाता है, फिर उसके बाद केस हार जाते हैं, फिर उन अभ्यर्थियों को अलाउ करा दिया जाता है और फिर से एंट्री करा दी जाती है। तो ये 94,000 शिक्षक बहाली में आखिर कब तक चलेगा। और दूसरी जो बात है कि अभ्यर्थियों की जो भीड़ बढ़ती जा रही है उसको जो है नियंत्रण सरकार कैसे करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12 जुलाई की जो है डेट लगी है सीटेट एक्ट केस की और 12 जुलाई तक लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है कंटिन्यू हो गई है या जो है इसका जो है पिंड छूट गया है मुसीबतों से। इसका पिंड जो है मुसीबतों से छूटा नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 3 केस पेंडिंग है, आप इस बात को समझिए। जो 30,000 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली जिसपे ब्लाइंड केस लगा हुआ था वो बहाली जो है सोचिए आप कैसे कंप्लीट हुई थी, ठीक है, उसमें जो है आवेदन लिया गया, औपबंधिक मेधा सूची जारी किया गया, फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उसके बाद काउंसलिंग भी कराई गई, और काउंसलिंग कराने के बाद लास्ट में आकर के वो बहाली पे जो है स्टे लग गया, और वो स्टे ऐसा लगा कि जो है इतना अभी जो है वो चीज जो है फाइनल हुई है। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि बिहार शिक्षक बहाली हम लोग को लग रहा है कि ये जो है बिल्कुल स्मूथली जो है रन कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रन नहीं कर रही, ये फंसती जा रही है, ये जो है गहराई में फंसती जा रही है। आपका जो है सरकार अपने जो है बचाव के लिए सारे जो है प्रयास कर रही है कि जल्दी जल्दी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करा दें, उसके बाद जो केस के फैसले आते रहेंगे उसके आधार पर देखा जाएगा। और हमें क्या, हम तो कह के निकल जाएंगे कि पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर है रद्द कर दिए और बहाली, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए फिर एक बार मिलेगी। अब देखिए अभी जो है 30,000 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो बहाली है अब वो फिर लटक गई कि नहीं लटक गई, काउंसलिंग मतलब हो करके वो जो है नियोजन पत्र जो है सबका रुका हुआ था और ब्लाइंड केस के चलते वो बहाली लटकी हुई थी। अब देखिए अब वो बहाली जो है फिर लटक गई, अभी आपका पूरा जून चला जाएगा और पूरा जुलाई भी चला जाएगा उस बहाली को कंप्लीट करने में, क्योंकि पहले तो सीटों की कैलकुलेशन की जाएगी, सीटों की कैलकुलेशन करने के बाद फिर उनको उस पर आवेदन लिया जाएगा, आवेदन लेने के बाद फिर उस पर औपबंधिक मेधा सूची बनेगी, औपबंधिक मेधा सूची बनने के बाद फिर उस पर जो है संशोधन मांगा जाएगा या सुधार के सुझाव मांगे जाएंगे, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी तो अब फिर से एक काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, फिर काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद फिर लोग काउंसलिंग में भाग लेंगे, फिर उसके बाद जो उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, डॉक्यूमेंट जांचने के बाद फिर वो योगदान देंगे, तब जाके कहीं नौकरी मिलेगी। तो एक लंबा सिस्टम उसमें लगने वाला है। तो कुल यार अभ्यर्थियों की जो भीड़ है, ये जो टाइम गैपिंग मिल रही है,
ये जो टाइमिंग गैपिंग मिल रही है इसके चलते भीड़ जो है बढ़ती जाएगी और बिल्कुल ये कन्फर्मिंग बढ़ती जाएगी। अब देखना यह है कि इस बहाली में सिलेक्शन होता कैसे है, किन अभ्यर्थियों का होगा, क्योंकि जब भीड़ बढ़ेगी तो सीटें घटती जा रही है और सीटें जब घटेंगी तो नुकसान होगा सबको। और ऊपर से आज जो एक न्यूज छपी है दैनिक जागरण में जो है ये टीटी वैधता को लेकर के और सीटेट वैधता को लेकर के कि इसमें कहा गया है कि अब टीटी का जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन वैध होगा। मतलब ये एक तरीके की जो है कोरोना वैक्सीन जो है दे दी गई है सीटेट और टेट वालों को कि अब आप लाइफ टाइम जिंदा रहोगे, मरने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तब आवेदन कर देना और ना आवेदन करने के लिए कोई अलाउ करे तो कोर्ट में चले जाना, केस कर देना, वहां से अपना जो है आवेदन स्वीकार करा लेना और अलाउ उसमें जो है भर्ती में बैठ जाना। यहाँ पे जो है देखिए कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने छात्रों को एक राहत दी, इसके तहत शिक्षा पात्रता परीक्षा को जो है वैधता अब आजीवन रहेगी। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, ये कोई राज्य की नहीं है, पूरे देश पे लागू होगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की इस सिलसिले की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और अक्टूबर में अपने बोर्ड, पिछले साल अक्टूबर में जो बोर्ड में बैठक में फैसला लिया गया था। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रालय ने इस बीच सभी राज्यों को से चर्चा करने के बाद इसे मंजूरी दी है और साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि इसे 2011 से लागू किया जाएगा। मतलब 2011 का जो सीटेट है या बिहार का जो प्रमाण पत्र है अब उनकी वैलिडिटी आजीवन हो गई। देखिए टीटी सीटेट की आजीवन वैधता खड़ी कर सकती है चुनौती। अभी मतलब आप एक ब्लाइंड केस से निकले नहीं थे कि फिर एक जो है ऊपर से धक्का केंद्र सरकार ने दे दिया। मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे मंत्री लोग बैठे हैं, शिक्षा मंत्री कैसे बैठे हैं, उनको जो सचिव हैं सलाह देने वाले वो कैसे हैं, वो देख रहे हैं कि लगातार शिक्षक बहाली भर्ती जो है फंसती जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि लोग बीच में जो है बिहार शिक्षक बहाली में कूद कूद के जो है एंट्री ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको नौकरी दो, हमको नौकरी दो। सब लोग तो मांग रहे हैं, सबके सामने तो रोजगार का जो है समस्या खड़ी है, सबके पास खाने के लिए नहीं है, सब लोग जो है गरीब हैं, सब लोग मरे जा रहे हैं। तो सब लोग जो है कोर्ट में घुस जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के और वहां से अपना ज्ञापन देते हैं, अपना नियम कानून समझाते हैं, उसके बाद जो है रोते रिलाते हैं और सरकार उठती है, राजनीति को षड्यंत्र करती है, उसके बाद उनको जो है अलाउ कर देती है। तो ये जो टीटी और सीटेट की वैधता जो दी गई है आज की डेट में, ये बहुत बड़ी चुनौती बिहार से जब बहाली के लिए जो है बनने जा रही है और बन सकती है, क्योंकि इसका जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट था जो कि अब इनवैलिड हो चुका था, अब वो जो है वैलिड हो गया। और सीटेट का जो पहला नोटिफिकेशन जो जारी हुआ तो 23 अगस्त 2010 को जारी हुआ था, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और जुलाई में इसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह तय करके एग्जाम करा दिया गया था। तो ये अब सीटेट जो है 2011 से वैलिड हो जाएगा, आजीवन इसकी वैधता हो जाएगी, यानी कि उनको जो है दोबारा से जो संजीवनी बूटी पिला दी गई है और अब उनमें खलबली मचेगी और उसका असर आपको चरण में जब शिक्षक बहाली पे देखिएगा बिल्कुल परफेक्टली देखने के लिए मिलेगा। उसमें हम आगे भी बात करेंगे, वीडियो उस पर लाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है अब जो है चरण में शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सरकार ने एक गलती कर दी है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को एंट्री करा करके। अगर वो गलती नहीं हुई होती, अगर वो वहां पे लेट नहीं किया गया होता तो आज ये शिक्षक बहाली कंप्लीट हो गई होती, लेकिन सरकार ने अपने वोट बैंक के चक्कर में एनआईएस डीलेट के अभ्यर्थियों को एंट्री कराई, जिसके चलते ब्लाइंड केस वालों को अटैच करने का मौका मिला। उन्होंने पूरे शेड्यूल को समझा और इस शेड्यूल को समझने के बाद जो है उन्होंने इसमें केस कर दिया और जिसके चलते अब उनकी भीड़ फिर इसमें बढ़ेगी। भाई जो अब सीट मिलेगी किसमें से कटेगी, टोटल वैकेंसी सीट में से ही तो कटेगी, और जब सीट कटेगी तो बाकी सबकी सीट घटेगी। तो जिनका सिलेक्शन तय होना था एक एक सीट पे, चाहे उनका 90 मेरिट बन रहा हो चाहे 99 मेरिट बन रहा हो, सबकी जो है नौकरी जो है उन लोग की तो गई, यानी कि जहां जहां पे एक एक सीट थी और लोग सोच रहे थे कि मेरा मेरिट हाई है और हमारी नौकरी हो जाएगी, तो अब होगी नहीं। कारण ये है कि उन्होंने ज्यादा आवेदन किए नहीं थे, उनके मेरिट थे ज्यादा, तो उन्होंने सोचा अपने गृह जिला में ही कर लेते हैं और यहाँ पे जो है एक दो सीट है, मेरा मेरिट सबसे ऊपर लिस्ट में, मेरा हो जाएगा। अब वो एक सीट बचेगी कि नहीं बचेगी भगवान जाने, क्योंकि किसी भी कंडीशन में कैटेगरी में से तो ये काट कर नहीं दे सकते, जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसमें से तो काट कर दे ही नहीं सकते। जब भी कटेगी तो जनरल की ही सीट कटेगी, अनरिजर्व की ही सीट कटेगी और उसी में से इसको दिया जाएगा और कहीं से नहीं दिया जाएगा। ना ईडब्ल्यूएस की सीट काट सकते हैं, ना ईबीसी की सीट काट सकते हैं, ना बीसी की, किसी की सीट नहीं कटेगी। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब जो है सिलेक्शन कैसे होगा इस बिहार शिक्षक बहाली में हाई मेरिट वालों का, ये भी एक सवाल बन चुका है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट जो आज की जो न्यूज है जो कल जो है पब्लिश हुई थी, लोग बड़ी खुशी के साथ इसको जो है कह रहे थे कि चलो आजीवन हो गया, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट जो है आपको बिहार शिक्षक बहाली पे देखने के लिए मिलेगा।
तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।